व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी अकाउंटिंग फॉर आवर बीकॉम बीबीए यूजी वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए, एज वेल एज जो सीए फाउंडेशन वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये काम आएगा। तो आज जो मैं टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ उसका नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। इन्वेंट्रीज अगर आपको करना है तो इन्वेंट्री हमारे मेन चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। स्टिल इफ़ यू वांट तो मैं यहाँ पे भी उसको रीपोस्ट कर सकता हूँ, मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इस चैनल पे भी डाल दूंगा ताकि एक ही जगह यूजी का पूरा कोर्स पड़ा रहे। बट अगर आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन सर्च करोगे तो आ जाएगा। चलो जल्दी से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। सारे बेसिक्स कराता हूँ आपको आज ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। लेट्स बिगिन। चलो यार शुरू करते हैं। अब पैटर्न अपना पुराना ही है, जैसे 11, 12 तुमने पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है। सारे नोट्स साथ साथ बनाना, बेसिक्स में लिख लिख के आपको सारे समझाऊंगा और उसके साथ साथ हर तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दूंगा, क्योंकि अब आप कॉलेज स्टडीज़ में हो तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिर्फ इसी चीज़ पे नहीं जाना है, आपको अपना सेल्फ डेवलपमेंट भी करना है। तो तुम्हारा एग्जाम ओरिएंटेड काम होता रहेगा तो मैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, और एक एक बेसिक मैं आप लोगों को अच्छे से करा दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। प्रैक्टिस बाकी जितनी करोगे उतना अच्छा है। देखो शुरुआत करते हैं हम लोग डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के साथ। अब देखो नाम में क्या लिखा है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। ये बेसिकली उन पर्टिकुलर बिजनेसेस की अकाउंटिंग होती है जिसके अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, है ना। अब हम किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो उनका साइंस का डिपार्टमेंट सेपरेट है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट सेपरेट है, ह्यूमैनिटीज़ का डिपार्टमेंट सेपरेट है। अब साइंस में भी हो सकता है उन्होंने फिजिक्स डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हों, इसी तरीके से कॉमर्स में बनाए हों, इसी तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में बनाए हों। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे आपको ये पता लगाना होता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कितना अच्छा काम कर रहा है, राइट। अब हम बिल्कुल बिजनेस सेंस में चले तो आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर ले लो। भैया डिपार्टमेंटल स्टोर में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होंगे, फुटवेयर का अलग होगा, ग्रॉसरीज का अलग होगा, उसके अलावा आप लगा लो कि कपड़ों का अलग होगा, यूटेंसिल्स का अलग होगा। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में तो फर्नीचर, मल्टीपल चीज़ें मिलती हैं। तो हर डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक ये ज़रूर जानना चाहेगा, या जो भी कंपनी होगी वो ये जानना चाहेगी कि कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, राइट। किसी आप सर्विस सेक्टर में ले लो या किसी ऐसे बिजनेस में ले लो जहाँ पे डिपार्टमेंट्स फंक्शंस के बेसिस पे बने हुए हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो उनकी भी परफॉर्मेंस चेक करनी है ना। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग करते हैं। तो देखो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है क्या, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट्स फॉर वन और मोर डिपार्टमेंट्स ऑफ अ बिजनेस यूनिट। अगर आपके एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं तो उसको किस तरीके से बना के चलना है उसको हम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग बोलते हैं। अब डिपार्टमेंट्स कितने तरीके के होते हैं बच्चों, डिपार्टमेंट्स होते हैं दो तरीके के। एक होते हैं डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब होता है जहाँ पे एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे डिपेंडेंट हो। दूसरे होते हैं इंडिपेंडेंट, जिनको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। एक कैसा काम कर रहा है, डिपार्टमेंट ए कैसा काम कर रहा है, डिपार्टमेंट बी कैसा काम कर रहा है, इन दोनों को एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है, दोनों सेल्फ डिपेंडेंट है, राइट। और एक होता है कि जब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, मतलब कि एक डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ए जो सामान बनाएगा वो प्रोसेस होके बी के पास जाएगा, यानी इसका जो फिनिश गुड है वो इसके लिए रॉ मटेरियल है ना, क्योंकि प्रोसेस करके तो यही भेजेगा। तो अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से सामान लेता है तो एक के लिए फिनिश गुड, दूसरे के लिए रॉ मटेरियल, तो कुछ ना कुछ अमाउंट पे तो जाएगा। उस अमाउंट को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस जनरली कॉस्ट प्राइस ही होता है, बट समटाइम्स कोई अलग प्राइस भी हो सकता है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा। तो ट्रांसफर प्राइस किसको बोलेंगे, जिस प्राइस पे गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, ठीक है बेटा। तो ये तो हो गया सबसे पहले कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स होंगे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट समझ गए, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का मतलब समझ गए। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास कितने तरीके से आप डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग कर सकते हो, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ मेंटेनिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो एक तो ये होता है कि आप अलग अलग अकाउंट बना रहे हो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए, उसको क्या बोलते हैं, व्हेन सेपरेट बुक्स आर मेंटेन्ड फॉर ईच डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट के लिए सेपरेट बुक बनाई जा रही है। और एक क्या होता है, जब जॉइंट अकाउंट्स बनाए जाते हैं सभी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के, मतलब अकाउंट्स हम जॉइंटली बना देंगे, हम अलग अलग नहीं बनाएंगे, एक साथ बना देंगे, बट उसके कॉलम्स बना देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैं पी एंड एल बना रहा हूँ, भैया आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीख के आए हो ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप कैसे बनाते थे, ऐसे बनाते थे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट देखो ऐसे बनाते थे ना, है ना। यहाँ पे क्या आता था, बाय जीपी याद करो, राइट। उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम्स, इधर इनडायरेक्ट इनकम्स आ जाती थी, इधर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाते थे,
फिर आपका नेट प्रॉफिट आता था, ऐसे करते थे या नहीं करते थे? अब अगर दो डिपार्टमेंट हो गए तो या तो ये दो पी एंड एल बना लो, वो इसमें आ जाएगा, या फिर इसी में जोड़ लो कि भैया यहाँ पे डिपार्टमेंट ए की फिगर लिख दूंगा, यहाँ डिपार्टमेंट बी की लिख दूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट ए के बारे में लिख दूंगा, यहाँ पे डिपार्टमेंट बी के बारे में लिख दूंगा, ए के एक्सपेंसेस बी के एक्सपेंसेस, ए का प्रॉफिट बी का प्रॉफिट, ए का जीपी बी का जीपी, ऐसे। तो ये हो गया कि हमने ज्वाइंट अकाउंट बना दिया, बस एक कॉलम फॉर्म में बना दिया, समझे? तो ये भी एक तरीका होता है और यही हम लोग यूजुअली फॉलो करके भी चलते हैं, राइट? चलो, कौन कौन से अकाउंट्स आपको इस चैप्टर में बनाने हैं? सबसे पहला डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, जो कि बिल्कुल सिमिलर है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट क्या था, जिसके अंदर हम लोग मेनली डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते थे, है ना, वेजेस हो गया, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, इनवर्ड एक्सपेंसेस, इस तरीके की चीज़ें लेते थे, राइट? तो वो डिपार्टमेंटल में अब क्या होगा, उसको नाम क्या बोल देंगे, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। अभी तक आपने ट्रेडिंग सीखा है, सेम। उसके बाद डिपार्टमेंटल पी एंड एल अकाउंट, और लास्ट होता है बच्चों जनरल पी एंड एल अकाउंट। सर, जनरल पी एंड एल क्यों बनता है? बच्चों देखो, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें बनी है ना, ये एक्सपेंसेस के आधार पे बनी है। सर, एक्सपेंसेस के आधार पे क्या मतलब है? देखो, एक्सपेंसेस ना दो तरीके के होंगे, दो तरीके के होंगे। नंबर वन, विच कैन बी एलोकेटेड, एंड नंबर टू, विच कांट बी एलोकेटेड। Which can be allocated and which can't be allocated का क्या फ़र्क है सर? देखो, एक तो होंगे खर्चे जो आप बड़े आसानी से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, यानी क्वेश्चन में गिवन होगा कि भैया वेजेस डिपार्टमेंट ए की इतनी है, डिपार्टमेंट बी की इतनी है, इस तरीके से गिवन होगा। तो एक तो खर्चे वो हो गए जो आप आसानी से एलोकेट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। अब सपोज तीन फ्लोर्स हैं और लिखा हुआ है रेंट है 60,000, तो आप पर फ्लोर 20,000 जितना भी एरिया ऑक्यूपाइड होगा उस हिसाब से एलोकेट कर सकते हो। तो एक तो होता है कि आप कितना किस तरीके से एलोकेट कर पा रहे हो। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो आप एलोकेट नहीं कर पाते, यानी समझ में ही नहीं आता कि किस डिपार्टमेंट में कितना लिखें, डिपार्टमेंट ए में कितना लिखें, डिपार्टमेंट बी में कितना लिखें, डिपार्टमेंट सी में कितना लिखें, तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता। तो अगर ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो आप एलोकेट ही नहीं कर पा रहे, जो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन से डिपार्टमेंट में लिखें, तो हम उसको डिपार्टमेंटल में लिखेंगे ही नहीं, हम उसको लिख देंगे जनरल पी एंड एल में। इसका मतलब बेटा जी, जो खर्चा आपको कहीं समझ में ही नहीं आया कि वो कौन से डिपार्टमेंट का है या कैसे मैं उसको बांटूं, वो जनरल पी एंड एल में चला जाता है, उसको हम जनरल में लिख लेते हैं डिपार्टमेंटल में ना लिख के, समझे? डिपार्टमेंटल में वो आएंगे जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के इजीली आप अप्रोप्रिएट कर पा रहे हो, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसके लिए जनरल है। ठीक हो गया या नहीं हो गया? यानी अब आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पी एंड एल बनाओगे और लास्ट में एक जनरल पी एंड एल बना दोगे, बैलेंस शीट भी आएगी लेकिन वो लास्ट में है, एग्जाम में आपको पहले ये समझना है। ठीक हो गया, परफेक्ट हो गया। अच्छा, एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लो अगर आपने नहीं लिए तो। एक्सपेंसेस की बात हो गई, अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं उसकी बात हो गई, क्या क्या मेथड्स हैं अकाउंटिंग करने के उसकी बात हो गई, उसके बाद हमारे पास कितने प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसकी बात हो गई, देन वी हैव डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग होता क्या है। नेक्स्ट आता है बच्चों अब हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पी एंड एल। ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बिल्कुल देखो सेम है जैसा आप क्लास 11th में ट्रेडिंग और पी एंड एल बनाते थे, बिल्कुल सेम। ट्रेडिंग अकाउंट में मेनली क्या आता था, पी एंड एल अकाउंट में मेनली क्या आता था, बस मेन बात है कि अब डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे, ये ए के लिए, ये बी के लिए, और एक टोटल का कॉलम। सी एक और डिपार्टमेंट है तो ए बी सी कर लो, डी है तो ए बी सी डी कर लो, है ना। ऐसे ही हमारे पास ये वही नॉमिनल अकाउंट, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट में सारे इनकम्स एंड गेन्स। बस इसके अंदर एक दो चीज़ें नहीं है, जैसे हमारे पास ट्रांसफर्स होते हैं। ट्रांसफर्स का मतलब जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करी जाती हैं चीज़ें, तो ये ट्रांसफर्स आपको मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा, फिलहाल आपको फॉर्मेट नोट डाउन करके चलना है, ठीक है? शुरुआत कहाँ से होती है, ओपनिंग स्टॉक, जो भी ए का ओपनिंग स्टॉक है, जो भी बी का ओपनिंग स्टॉक है, फिर टोटल कर देना, ओपनिंग स्टॉक आ गया। देन यू हैव नेट परचेजेस, नेट परचेजेस याद रखना, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, अब आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ए की ए में, बी की बी में, फिर टोटल लगा देना। फिर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो वेजेस हो, चाहे वो फ्रेट हो, चाहे वो कैरेज हो, सब इधर लिख देना। सर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, एक बार रिमाइंडर दे दो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, अगर कोई भी फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड खर्चा है, कोई भी परचेज से रिलेटेड खर्चा है, किसी भी खर्चे के साथ इनवर्ड लिखा है, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड,
ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो ये आपको इधर लिखने हैं, ठीक है। फिर ट्रांसफर्स मैंने आपको बोला, अभी क्वेश्चन आएगा समझाता हूँ, पहले आप नोट डाउन कर लो। क्रेडिट साइड में क्या आएगा सर? क्रेडिट साइड में बच्चों सेल्स, जितना भी आपने माल बेचा है, फिर ट्रांसफर इधर से निकल के उधर गया है ना, ए टू बी, तो एक तरफ इधर होगा एक तरफ इधर होगा भैया, एक के लिए खर्चा तो दूसरे के लिए इनकम, राइट। फिर क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो आ गया। लास्ट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल आता है, जीपी निकल आता है, पहले से सीखा हुआ है आपने जीपी। अब इस जीपी को क्या करो, नीचे ले जाओ, जीपी ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, इनडायरेक्ट इनकम्स जितने भी हैं वो आ गई। इधर आपके सारे के सारे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो हमारे पास ये सारे खर्चे आ जाते हैं, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी खर्चे थे वो सब इधर आ जाएंगे। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, बैड डेट्स हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, ये सारे के सारे खर्चे ए का, बी का और टोटल, ठीक है। अब आपके पास क्या आता था बच्चों? नेट प्रॉफिट आता था ना। बस यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट ना लिख के क्या लिखोगे? टू जनरल पी एंड एल। मतलब अगर नेट प्रॉफिट होगा, जिसको आप अभी तक नेट प्रॉफिट बोलते थे, वो नेट प्रॉफिट अब जनरल पी एंड एल में जाएगा, और अगर नेट लॉस हो गया तो भी वो जनरल पी एंड एल में जाएगा। भाई इधर बैलेंस आया तो नेट लॉस, इधर आया तो नेट प्रॉफिट। अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल पी एंड एल में ट्रांसफर करेंगे सर। क्यों? क्योंकि बच्चों एक्चुअल में अभी बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसेस भी होंगे ना जो आप एलोकेट नहीं कर पाए, तो उनको जनरल पी एंड एल में लिखेंगे, तो एक्चुअल नेट प्रॉफिट या लॉस तो वहीं पता लगेगा, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? अब हम बनाएंगे जनरल पी एंड एल। तो जनरल पी एंड एल कैसे बनता है, देखो बहुत सिंपल। बाय डिपार्टमेंटल पी एंड एल, ये आपका प्रॉफिट आ गया अगर प्रॉफिट हुआ होता, राइट। टू डिपार्टमेंटल पी एंड एल अगर लॉस हुआ होगा, तो इन दोनों में से एक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, अगर आपके कोई जनरल एक्सपेंसेस हैं, राइट। उसके बाद प्रोविजन बनता है एक स्टॉक पे, वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको अलग से दिखाऊंगा, फिलहाल आप नोट कर लो। स्टॉक रिजर्व इधर आ गया, और ऐसे ही स्टॉक रिजर्व इधर आ गया। सर दोनों साइड भी आएगा? नहीं जान, नहीं, थोड़ा सा समझेंगे, बट एक बार फॉर्मेट समझ लो, ठीक है। एंड लास्ट में जो भी आपका नेट प्रॉफिट निकल के आएगा फाइनल, उसको आप कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे। दिस इज योर फाइनल प्रॉफिट, ये आपका फाइनल प्रॉफिट है, ये हमारे चले आते हैं कैपिटल्स में, ठीक है। तो दिस इज हाउ योर जनरल पी एंड एल इज प्रिपेयर्ड। आपने ट्रेडिंग भी देख लिया, डिपार्टमेंटल, डिपार्टमेंटल पी एंड एल भी देख लिया, फिर जनरल पी एंड एल भी देख लिया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, देखो इसके बाद हमें सीखना है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, कि भैया हम एक्सपेंसेस का एलोकेशन कैसे करें। तो यार देखो, या तो आपको एलोकेट करने का क्राइटेरिया दिया होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है, कुछ एक जनरल क्राइटेरियाज भी हैं जो हमारे पास बुक्स में मैंशनड है। तो एक चार्ट है पूरा का पूरा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसके बेसिस पे आप एक्सपेंसेस को एलोकेट कर सकते हो, है ना। मतलब कि फॉर एग्जांपल अब रेंट है, तो रेंट हम देख सकते हैं ना कितना स्पेस किस फ्लोर ने लिया है, उसमें हम कर सकते हैं। तो उसकी एक एलोकेशन की पूरी टेबल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेना, एंड देन हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। चलो अब उस टेबल पे चलते हैं। तो ये आ गए बेटा जी, अब हमारे पास वो सारे के सारे एक्सपेंसेस और उनका बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले, डन। अब ये वाला सेकंड पेज का भी ले लो, बस दो ही पेजेस का है ये। क्या सर हमें ये सारे लर्न करने पड़ेंगे? देखो आपको ना वैसे पढ़ के समझ में आ जाएंगे, रटने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन बार आपने करा, दो तीन क्वेश्चंस करे और आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि बहुत ईजी है। देखो जैसे सबसे पहले मैं लेता हूँ परचेजेज हैं, ठीक है, माल खरीदा है, या हमने वेजेस दिए हैं, या फ्रेट है, या गुड्स कंज्यूम्ड है, इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, कमीशन हो गया, ये सब बच्चों अगर डिस्काउंट मिल रहा है, आपने माल खरीदा है, वेजेस दिए, ये सब परचेजेस से रिलेटेड है ना। तो इसको हम किस रेशो में बांटेंगे? रेशो ऑफ परचेजेस में, राइट। मतलब जिस डिपार्टमेंट ने जितना इतना परचेज किया है उसके हिसाब से उतना उतना ही खर्चा बांट दो, सही। सिमिलरली सेल्समैन की कमीशन, अब देखो सेल्समैन की कमीशन तो सेल से रिलेटेड होगी, डिस्काउंट आपने दिया, माल बेचा होगा तभी दिया होगा, सेलिंग एक्सपेंसेस, आफ्टर सेल सर्विसेज, कैरेज आउटवर्ड, ट्रैवलिंग, पैकिंग, एडवर्टीजमेंट, बैड डेट्स, ये सब सेल्स से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेसिकली कहाँ पे होगी? रेशो ऑफ सेल्स में। एक चीज याद रखना, बैड डेट्स के लिए क्रेडिट सेल में भी यूज्ड, क्योंकि बैड डेट्स तो क्रेडिट में ही होगा, कैश में तो होगा नहीं,
तो क्रेडिट सेल भी यूज़ कर सकते हो। सिमिलरली अब आपके पावर चार्जेस आ गए, बिजली रेंट और रेट्स आ गए, रिपेयर मेंटेनेंस इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग आ गया, तो भैया जितना जितना जिसने फ्लोर लिया हुआ है उतना उतना बांट दो। तो ये बेसिकली रेशो ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड में हो जाएगा, है ना। तो देखो हर चीज़ किसी ना किसी पर्टिकुलर खर्चे से रिलेटेड है, वहाँ से उसको एलोकेट कर दो। अब इधर देखो डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी हो गया, इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया, तो भैया जितनी जितनी मशीन जिस जिस डिपार्टमेंट के पास है उस रेशो में बांट लो, परफेक्ट। इसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, रिक्रिएशन एक्सपेंसेस, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस, प्रोविडेंट फंड हो गया, ESI हो गया, ये सब कौन से डिपार्टमेंट में कितने वर्कर्स हैं उसके हिसाब से बांट लो। वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, जितना जितना आप बेसिकली रीडिंग्स आ रही हैं, जितने इतने पॉइंट्स आ रहे हैं जिस डिपार्टमेंट में, वो भाई अब इलेक्ट्रिसिटी बिल तो बहुत सिंपल है ना, मीटर पॉइंट्स के हिसाब से देख लो यार, क्या प्रॉब्लम है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वर्क मैनेजर, तो इस तरीके से ना एलोकेशन हुआ है, इंश्योरेंस, एवरेज स्टॉक मेंटेन्ड के बेसिस पे। तो इस तरीके के जो खर्चे हैं, जब आपके पास अब मल्टीपल क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, राइट। तो मैंने आज क्या करा है, मैंने आपको सारे बेसिक समझा दिए हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के। अगली क्लास में हम दो तीन तरीके के क्वेश्चंस करेंगे और तीन क्लासेस में चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आने में नहीं दूंगा इसके अंदर, राइट। तो बड़े ध्यान से अच्छे से करके चलो, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप पर्टिकुलर कौन सी यूनिवर्सिटी में हो और आपके एग्जाम्स कब से हैं, ताकि मैं भी फटाफट से थोड़ा सा रशन करके चीज़ें कराऊँ। और क्या क्या आपके टॉपिक्स हैं, देखो जो 11 12th में पढ़े हुए हैं वो तो पढ़े हुए हैं तुम लोगों ने, मुझे नए टॉपिक्स बताओ, जो न्यू टॉपिक्स आपके आ रहे हैं हम उसको जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।